दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज भी हमारे समाज में शादी को बहुत महत्व दिया जाता है क्योंकि इसे एक पवित्र और जन्म जन्मांतर का बंधन माना जाता है। लेकिन बच्चों के करियर बनने के बाद ज्यादातर माता पिता बस एक बात सोचते हैं कि किसी तरह हमारे बच्चे की शादी हो जाए तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। किंतु उनके बच्चे शादी के लिए क्या चाहते हैं, उन्हें क्या और कैसा पार्टनर पसंद है, वे अपने हिसाब से कैसे पार्टनर का चुनाव करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, या शादी से पहले उनकी क्या चाहत है। इसके अलावा यदि सब कुछ ठीक रहता है तो इसके बाद भी यह देखा जाता है कि क्या लड़की के लिए लड़का रंग रूप और शक्ल सूरत से सुंदर है या नहीं, क्या लड़के के लिए लड़की रंग रूप और शक्ल सूरत से सुंदर है या नहीं, दान दहेज कितना मिलेगा, कैसे लड़की की शादी कम खर्च में बड़े घर में हो जाए या बड़े घर की बेटी से हमारे बेटे की कैसे शादी हो जाए। लेकिन ये नहीं सोचते कि आखिर शादी हो जाने के बाद क्या दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर पाएंगे, क्या खुशी खुशी एक दूसरे के साथ जीवन बिता पाएंगे, क्या दोनों एक दूसरे को भावनात्मक रूप से स्वीकार कर भी पाएंगे या नहीं। यहाँ तक कि शादी से पहले ना जाने कितनी बातों पर पर्दा डाल दिया जाता है और लालच या स्वार्थ में पड़कर रिश्ते को स्वीकार कर लिया जाता है। किंतु जिन पहियों और पटरियों पर जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती है उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसीलिए शादी से पहले हर एक व्यक्ति को अपने होने वाले पार्टनर से कुछ विषयों पर हर हाल में बातचीत कर लेनी चाहिए। यदि सहमति बनती है तभी रिश्ते को स्वीकार करें, अन्यथा रिश्ते को अस्वीकार कर दें, नहीं तो जीवन भर साथ रहने का सपना केवल सपना बनकर ही रह जाएगा। चलो बताते हैं दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, दोस्तों सबसे पहले आपको होने वाले पार्टनर और अपनी पसंद नापसंद के बारे में जान लेना चाहिए। इसके अलावा दोनों ही करियर को लेकर क्या सोच रखते हैं, एक दूसरे से किस तरह का सहयोग और सपोर्ट चाहते हैं, यहाँ तक कि शादी के बाद जॉब या सर्विस को लेकर दोनों की क्या राय है, दोनों की क्या सोच है, इस विषय पर हर हाल में सहमति जान लेनी चाहिए। सेकंड नंबर, दोस्तों होने वाले पार्टनर से घर के कामों के बारे में भी चर्चा कर लें, क्योंकि आज की काफी लड़कियां अक्सर पढ़ाई जॉब आदि के चलते घर से बाहर रहती हैं या घर पर भी रहती हैं तो घर के कामों को नहीं करती। यहाँ तक कि काफी लड़कियां तो घर के कामों से इतना नफरत करती हैं कि उन्हें घर का कोई काम करना ही नहीं आता, खासतौर पर किचन का कोई काम करना पसंद नहीं करती। इसलिए इस विषय पर हर हाल में बात कर लें, क्योंकि ज्यादातर लोग इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करते और बाद में घर में महाभारत किचन के कामों को लेकर ही शुरू होती है। इसलिए इस विषय पर सहमति बहुत जरूरी होती है। यह लड़की को भी चाहिए, क्या उनका होने वाला पति उनके घर के कामों में हाथ बटा सकता है या नहीं। थर्ड नंबर, दोस्तों फिल्मों में या सीरियल में जो कुछ भी दिखाया जाता है उनमें रातों रात जिंदगी बदलते दिखाई जाती है, बुढ़ापे तक प्यार बना रहता है, लोगों की बड़े शानदार तरीके से जिंदगी दिखाई जाती है। असल जिंदगी में ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ हो पाता है, क्योंकि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। इसलिए आपके पार्टनर को कब गुस्सा आता है, कितना गुस्सा आता है, किन बातों पर गुस्सा आता है, वह किस हद तक शासन में रहना पसंद करेगा या शासन में रहना पसंद करेगी, यहाँ तक कि फैमिली के साथ किस हद तक एडजस्टमेंट कर सकते हैं या कर सकती हैं, कुल मिलाकर उसे फैमिली के साथ रहना पसंद है या नहीं, इस विषय पर भी चर्चा कर लें। फोर्थ नंबर, दोस्तों कई बार ज्यादातर लड़कियां अपने घर परिवार वालों के दबाव के चलते माता पिता की पसंद के किसी भी लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन वास्तविक उनका उस लड़के से शादी करने का मन नहीं होता, या फिर वे अपने पसंद के किसी और लड़के से शादी करना चाहती हैं। ऐसी स्थिति में वे कभी भी अपने पार्टनर से भावनात्मक रूप से कनेक्ट नहीं हो पाती। इनमें कई लड़कियां तो ऐसी भी होती हैं जो शादी के बाद भी अपने प्रेमी से मिलना जुलना और उससे हर तरीके से रिश्ते बनाए रखती हैं, और जब इन रिश्तों की जानकारी उनके पति को हो जाती है तो वहीं से महाभारत शुरू हो जाती है। इसलिए इस विषय पर निसंकोच होकर हर हाल में अपने होने वाले पार्टनर से चर्चा कर लें, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। यदि एक म्यान में दो तलवारें रखी जाती हैं
तो या तो तलवार टूट जाएगी या फिर म्यान फट जाएगा। 5 नंबर, दोस्तों ये भी पता कर लें कि क्या वह लड़की या लड़का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से शादी करने के लिए तैयार है भी या नहीं। इसके अलावा यह भी जान लें कि क्या उसे कोई बीमारी तो नहीं है, या बीमारी है भी तो क्या, इलाज कहाँ चल रहा है। इन सब बातों की भी जानकारी कर लें। यहाँ तक कि लड़के लड़कियों को फैमिली प्लानिंग, सुरक्षा, फाइनेंशियल प्लानिंग, इन सब बातों के बारे में पहले ही जानकारी कर लें। 6 नंबर, दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो डीप लव के विषय पर भी बात कर सकते हैं। यहाँ तक कि शादी से पहले रिश्तों के बारे में कुछ भी जानकारी कर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरे के विचार, ईगो, जिद, खर्चा करने की आदत, कंजूसी हैबिट्स, हाइजीन, ड्रिंकिंग, सिगरेट, तंबाकू, जिम्मेदारियां, दहेज, रिस्पेक्ट, बदलाव आदि के बारे में भी बात कर लें, क्योंकि यही वो परिस्थितियां हैं जो रिश्ते को बर्बाद कर देती हैं। लेकिन जब पहले जानकारी नहीं करते तो बाद में पछताने के सिवा हासिल कुछ भी नहीं होता। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।